4 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव का शोर चारों ओर गूंजने लगा है। प्रत्याशी अपनी अपनी ताकत दिखाने लगे हैं। गली मोहल्लों में चुनावी नारे गूंजने लगे हैं। वार्ड नंबर 41 से पार्षद पद के लिए नीरज हयारण भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। ये जनता के लिए दिन हो या रात हो हर वक्त सेवा के लिए खड़े रहते हैं। उन्होंने आज वार्ड में भारी जनसैलाब के साथ मेयर प्रत्याशी के साथ जुलूस निकाला। जुलूस में भारी संख्या में लोग कमल के फूल के लिए वोट करने के लिए जनता से अपील करते हैं। नीरज हरियाणा को जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। वहीं मेयर प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को जीतने की अपील की है। नीरज हयारण का कहना है कि मेरा चुनाव मेरे वार्ड की जनता लड़ रही है। पार्षद बनते हैं तो क्षेत्र के विकास कराएंगे और वार्ड का चहुमुखी विकास करवाएंगे। नाली सड़क बिजली पानी आदि सभी मूलभूत समस्याओं से जनता को निजात दिलाना मेरा कर्तव्य होगा। झांसी से मनीषा ली की रिपोर्ट। मेरा नाम नीरज हयारण है। मैं वार्ड नंबर 41 से भाजपा से सभासद प्रत्याशी हूँ। अच्छा, क्या वादे क्या इरादे लेकर जनता में जा रहे हैं आप? वादे का वार्ड में काम तो बहुत हुआ है। देख रहे जिम लगे हैं आपने, दो दो ओपन जिम लगे हुए हैं। कुछ हुआ सफाई व्यवस्था की गड़बड़ाई हुई है, ये मेन मुद्दा है जो हमें आंख उसमें संभालना है। आज क्या रहा, आज महापौर जी आए, किस तरह से कहाँ कहाँ से आप प्रचार रहा आपका? आज महापौर जी आए तो बहुत अच्छा प्रचार हुआ है। हम इधर साहब लोग साथ में ही थे। आपने क्या सोच रखा, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? प्राथमिकता यहाँ की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, सबसे प्राथमिकता उसी को देना है हमें बस, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा गड़बड़ है। बाकी तो विकास तो आप देखते ही, वहाँ से घुसेंगे पार्क कितने बढ़िया चमचमा रहा है, एक सामुदायिक केंद्र बन गया है गरीब लोगों के लिए, जिनको पास पैसा नहीं है उनको सब लोग शादी वगैरह कर सकते हैं। हमारे पार्षद जी ने काम तो बहुत किया है, बस थोड़ा सफाई व्यवस्था पर ध्यान देना है बस। अभी जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या जन समर्थन मिल रहा है आपको, किस तरह का प्यार मिल रहा है? जन समर्थन बहुत बढ़िया मिल रहा है हमें। क्या कहेंगे अपनी जनता से आप? मैं जनता से कहूँगा कि आप एक बार हमें अवसर दीजिए, जो पिछली बार गलतियाँ हुई हैं उनको